सिद्धार्थनगर जिले में हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक पेश हुआ। बांसी कस्बे के चंगेरा पैलेस परिसर में होली एवं शबे बारात मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिला पुरुष शामिल होकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पर्व की बधाइयां दी। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी, साथ ही त्योहार को आपसी भाईचारे, सद्भाव व प्रेम के साथ मनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी पर्व को हमें आपसी प्रेम व सद्भाव को कायम रखने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कार्यक्रम आयोजक की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए, जिससे हमारी पहचान अनेकता में एकता कायम रहे। पूर्व विधायक लालजी यादव ने भी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दोनों पर्व की बधाइयां दी। कार्यक्रम आयोजक निवर्तमान नपा अध्यक्ष मोहम्मद इदरीश पटवारी व पूर्व नपा अध्यक्ष चमन आरा रायनी ने लोगों को होली व शबे बारात की बधाइयां देते हुए कहा कि हम सबका जीवन खुशियों से भरा हो और आपसी भाईचारा बना रहे। अंत में उन्होंने कार्यक्रम में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन कवि डॉक्टर ज्ञानेंद्र द्विवेदी दीपक ने किया। पूर्व उपाध्यक्ष अमन आरा रायनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2012 से हम होली मिलन समारोह मनाते आ रहे हैं और जब तक हिंदू मुस्लिम भाई एक रहेंगे तब तक ये देश हमारा मजबूत रहेगा। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर त्रिपाठी ने बताया कि होली का पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें एक दूसरे के गले लगकर बधाइयां देते हैं। आज हमारे देश में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बांटा जा रहा है, इसलिए सभी लोग एक दूसरे से आपसी सौहार्द भाईचारा बना कर रखें। और हम सब मिलकर मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता का ये प्रतीक है कि हम सब आपस में मिलजुल कर होली मिलन समारोह हो, ईद हो, ये सारे त्यौहार जब तक मिल के मनाते रहेंगे तब तक ये आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बना रहेगा और हमारे देश का भविष्य एकता में ही है। जहाँ एकता अखंडता जब मजबूत होगी हमारी, तभी हमारे देश का विकास होगा। देश हमारा आगे तभी बढ़ सकता है जब हम आपसी भाईचारे को मजबूत और पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेकर चलेंगे। देखिए, हमारे देश की जो सबसे बड़ी पहचान है वो विविधता में एकता, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और विविधता में एकता के भावना को बल देने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए होली से बड़ा, शबे बारात से बड़ा कोई त्यौहार नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस होली के त्यौहार में किसी भी स्तर पर, कहीं भी, जब भी होली मनाई जाती है, छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, निरक्षर हो, साक्षर हो, किसी भी संप्रदाय से, जात से, वर्ग से संबंधित हो, सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं, होली खेलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे समाज एक हो गया है। इतनी बड़ी एकता और एकता के सूत्र में बांधने का और कोई त्यौहार मुझे नजर नहीं आता है और इसीलिए इस त्यौहार को मनाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें इस पर आचरण करना है, लोगों को जागृत करना है कि अगर हम एक रहेंगे तभी हम मजबूत रहेंगे, तभी हम तरक्की कर सकेंगे, और अगर टुकड़े टुकड़े में बटेंगे कमजोर हो जाएंगे और फिर हमारा देश, हमारा अपना परिवार, हमारा अपना समाज टूट जाएगा, आगे विकास नहीं कर पाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।